नमस्कार प्रणाम, मैं आपका छोटा भाई पारस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजबल चैनल पारस ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जब चैनल नॉलेजबल है तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर मिलेगी। अच्छा, हमको सिखा रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन से जो है ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाऊंगा, आसानी के साथ सिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो में रहिएगा लास्ट तक, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कल जब नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फोन और अब मैं करने वाला हूँ इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन। ठीक है, तो इसका स्क्रीन रिकॉर्डर फाइनली ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया है। अब क्या करना है, अब बनाना है मुझे एक जीमेल अकाउंट, यानी कि ईमेल अकाउंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में जीमेल वाला एप्लीकेशन ये ज़रूर से ज़रूर होगा, सारे फ़ोन में आता है, कितना भी सस्ता हो कितना भी महंगा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ये कॉर्नर में आपका जो दिख रहा होगा लोगो टाइप का, उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनादर अकाउंट, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपल से। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेटअप ईमेल करने का। ठीक है, सेटअप ईमेल का जो आपको ये ऑप्शन आ रहा है, आप उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये चेकिंग लेना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो है चेकिंग इन्फो और थ्री डॉट, यानी कि चेकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा है, सारा कुछ रिडायरेक्ट करता है, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके पास नेट की स्पीड जो है सही होनी चाहिए, तो ये जल्दी से काम कर जाता है और सिर्फ एक मिनट में जो है आपका ईमेल अकाउंट बनके तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, और हमारे यहाँ नेट भी स्लो है, तो दोनों काम हमारे लिए तो सही ही हैं, क्योंकि हमें तो वैसे भी स्लोली स्लोली समझाना है और नेट भी स्लोली स्लोली चल ही रहा है, तो दोस्तों सबसे बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन चल रही है। ठीक, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये चेकिंग इन्फो खत्म हो चुकी है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन आ रहे हैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फॉर माई सेल्फ एंड टू माई बिजनेस। तो आपको अपने खुद के फ़ोन के लिए बनाना है भाई, तो आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे दो नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर जो है अपने एक फ्रेंड के नाम से जो है आईडी बना लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम को डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया फर्स्ट नेम एंड जो है लास्ट नेम, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो है मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो वो आपको दे देनी है। तो मैं यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से सेम चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा और ये बोलेगा कि क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, मतलब आप यहाँ पर अपना कोई भी जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। और ये बोल रहा है यू कैन यूज लेटर नंबर एंड पीरियड्स, मतलब यहाँ पर आप जो है लेटर यानी कि शब्द और जो है मतलब मोबाइल नंबर जैसे अंक सारे कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे इसमें स्पेस नहीं देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा 8181 डाल के, अगर हो जाए तो शायद, वैसे तो ये यूजर नेम नॉर्मल है टेकन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दिस यूजर नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर बोल रहा है, दूसरा आप यहाँ पर डाल लो। तो यहाँ पर 82 डाल कर देखता हूँ, तो ये भी बता रहा है टेकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8282 डबल करता हूँ, फिर डालता हूँ ये भी टेकन। तो मैं यहाँ पर जो है इसका मोबाइल नंबर एक बार डाल के ट्राई करता हूँ, मेरे फ्रेंड का ही है, तो 9792 में डालता हूँ, इसका मोबाइल नंबर है।
फिर नेक्स्ट करता हूँ, ये भी टेकन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है फिर से एक बार 92 लगा दूँगा और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करूँगा। तो अब देखते हैं लेता है या नहीं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल इसने ले लिया है 9 9 7 9 2 9 2, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये मांग रहा है एक पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना है, ठीक है। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर दे देना है, तो आपको पासवर्ड एक ऐसा देना है जिसमें लेटर नंबर एंड सिंबल सारे कुछ हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया शिवम एट द रेट 1234 और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यस आई एम एन इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जीमेल अकाउंट जो है वो बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नीचे जाना होगा और एक बार आई एग्री पर क्लिक करना होगा हम लोगों को, ठीक है। जैसे ही हम लोग आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल सर्विसेस यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि जो है ये अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आपको प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना होता है तब भी आपको ईमेल डालनी होती है अपने फ़ोन में, ठीक है। या फिर आपको इससे यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमाने होते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो इसी ईमेल के साथ, अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो बिना ईमेल के फ़ोन आप नहीं चला सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईमेल फ़ोन में, ठीक है। तो वो आपको इतनी आसानी के साथ आप बना सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कल जब नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।